नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आई एम ले चलते हैं आपको ग्राम पंचायत परिसर में, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जन्म जयंती मनाई गई। आयोजक थे अंबेडकर सेवा समिति मंडार, और वहां पर मुख्य अतिथि शिरोही विधायक सैम लोढ़ा और मंडार सरपंच पर्वत सिंह देवड़ा के साथ साथ आदरणीय व पूजनीय साधु संत उपस्थित रहे, और साथ में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट कि किस तरह से जन्म जयंती को मनाया गया। धन्यवाद। अंबेडकर सेवा समिति के अध्यक्ष लवजी राम जी, भाई मफतलाल जी बुनकर, आसुराम जी, रमेश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेघवाल समाज 22 परगना के महामंत्री भाई शंकर जी मेघवाल, मेरे साथ आए छिबा गांव के सरपंच भाई पन्नालाल जी हीरागर, पूर्व प्रधान मोतीलाल जी, आपके यहाँ के सरपंच साहब भाई देवड़ा जी, भाई छगन जी भील, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाई आनंद जी जोशी, पूर्व प्रधान इब्राहिम भाई, फजल भाई और सभी उपस्थित भाई। और मेरा सौभाग्य है कि आज महान कर्म योगी और देशभक्त, मानवता की, समानता की, समता की, स्वतंत्रता की वाणी के वाहक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अंबेडकर सेवा समिति का शुक्रगुजार हूं इस मौके पर मुझ नाथीज को उन्होंने आने का मौका दिया। अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत थे जिसने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं। अंग्रेजों के हुकूमत हो, आजादी के बाद में आई हुई सरकारें हो, हमेशा दृढ़ता से अपने सिद्धांतों पर बात रखी, लड़े और करोड़ों देशवासियों के लिए रोशनी बने। भारत का संपूर्ण विकास संविधान तो है ही, उसके बाद में भी 1956 तक जो विभाग उनके पास रहे उसकी बुनियाद उन्होंने रखी। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, जिसके आधार पर हर ग्राम पंचायत को, हर नगर पालिका को, हर राज्य को जनसंख्या के आधार पर पैसे का बंटवारा होता है, भारत सरकार की आय का
वो भी सोच बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 1935 में अंग्रेजों के टाइम में जब पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उस समय के बड़े बड़े बैरिस्टर जो अलग अलग पार्टियों में थे, उनकी दलीलों के आगे सब लाजवाब हो, और वो एक्ट बनाने में भी उनकी सबसे बड़ी भूमिका। आप में से यदि कोई जिज्ञासु विद्यार्थी है तो उनको जानकारी होगी कि कृषि नीतियों पर, आर्थिक नीतियों पर बाबा साहब ने क्या विचार किया। बंबई की विधानसभा में 1927 में दिया गया उनका भाषण एक मील का पत्थर है। कृषि के बारे में क्या विचार थे उनके, औद्योगिक नीति, उद्योग, वो सारे विचार उन्होंने वहां पर प्रकट किए। सवा सौ करोड़ देशवासी आज जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं उनकी बदौलत। लेकिन 70 साल की इस यात्रा के बाद भी हम वो मुकाम हासिल नहीं कर सके हैं, वो समता पर आधारित समाज, वो स्वतंत्रता पर आधारित समाज, वो भाईचारे पर आधारित समाज, आज भी उसके सामने चुनौतियां बनी हुई। हमारे साथ में सिरोही विधायक श्यामजी लोढ़ा और मुख्यमंत्री के सलाहकार, एक तो आप दौरे को लेकर बताइए, और दूसरा जो आपने शिक्षा की बात की, तो आसपास में फैकल्टी वगैरह स्कूलों में बहुत कम है, उस बारे में जरा। देखो, ऐसा है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा 126 कॉलेज सरकार ने 3 साल में खोले हैं, और सिरोही ज़िले में भी जितनी सेकेंडरी स्कूल है वो सारी सीनियर सेकेंडरी के लिए बदल दी है। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल भी खोले हैं, और अगले 2 साल में भी और महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोले जाएंगे। आज इस क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर मुझे अवगत कराया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और कदम उठा सके। कोविड सहायक जो धरने पर बैठे हैं जयपुर में पिछले 10-12 दिन से, तो उस पर आपकी सरकार क्या व्यवस्था कर रही है सुविधा? कोविड सहायकों की समस्याओं का अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, मुझे उम्मीद है इसका कोई ना कोई सकारात्मक समाधान। कुछ जनता के लिए कोई संदेश आप देना चाहें जो यहाँ मंडल क्षेत्र में? जनता के लिए अशोक जी गहलोत ने 50 यूनिट तक की बिजली मुफ्त कर दी है। 50 से 150 यूनिट तक की बिजली के लिए उन्होंने 3 रुपए प्रति यूनिट अनुदान दिया है। 150 से 300 यूनिट बिजली घरेलू का उपयोग करेगा उसके लिए प्रति यूनिट 2 रुपए का अनुदान दिया है। किसान को 1000 रुपया हर महीने बिजली की बिल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है, उससे राजस्थान के 5.5 लाख किसानों के बिजली के बिल शून्य हो गए हैं। दूध के अंदर भी जो पहले 2 रुपये अनुदान मिलता था वो मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा करके 5 रुपये किया है। इस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में जो 100 दिन रोजगार सोनिया गांधी जी ने दिया था नरेगा का, उसको बढ़ाकर के अशोक गहलोत जी ने 125 दिन किया है। शहरी क्षेत्र में कोई रोजगार योजना नहीं थी, अशोक गहलोत साहब ने शहरी क्षेत्र के अंदर 100 दिन के रोजगार की योजना चालू की है। तो इस तरीके से लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। आपने खुद ने देखा होगा कि उनके निवास पर बजट घोषित होने के बाद कितने दिनों तक हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंच करके उनकी शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।